हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि यार अभी कुछ दिन में RGPB का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है वो 2023-2024 का सेशन स्टार्ट होने वाला है और 2022-2023 का सेशन एंड होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने यार 2022-2023 के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं किया है, जिसके चलते यार RGPB से एफिलेटेड सभी कॉलेज के लिए साथ साथ MP की सभी कॉलेजेस, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कोई सा भी कोर्स हो, BSc, BCom, BPharmacy, सभी के लिए यार एक और मौका दिया है कि अगर आप लोगों ने 2022-2023 के लिए आवेदन नहीं किया है या फिर आवेदन तो किया है लेकिन आपका स्कॉलरशिप वगैरह का कोई इशू है, तो यार 25 मार्च तक आप लोग उस इशू को सॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों, PDF में आपको सामने दिख रहा होगा कि यार जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि 2022-2023 में अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या फिर रिन्यूअल हो, दोनों ही अगर कोई भी नहीं कर पाया है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एक और मौका दिया जा रहा है। आप लोग 25 मार्च के पहले ये फॉर्म वगैरह फिल कर लें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, तो फिर दोस्तों उस हिसाब से रिन्यूअल होगा या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन होगा अगर आपने 2022-2023 में नहीं किया है। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट कॉल करते थे, मैसेज करते थे कि मैं अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर पाया हूँ, मेरी अटेंडेंस कम है, मैं रिन्यूअल नहीं कर पाया हूँ, डेट निकल गई है। तो दोस्तों, उन तमाम स्टूडेंट को मैं सूचित करता हूँ कि यार अभी आपके पास मौका है 2 से 3 दिन का, 25 मार्च के पहले अपना ये फॉर्म फिल का प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो आपका 2022-2023 का स्कॉलरशिप आ जाएगा और कुछ दिन बाद 2024 के लिए भी आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छा मौका है, आप लोग जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट करें, 25 तारीख के बाद डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो दोस्तों, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को करते सब्सक्राइब, वीडियो करते लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।